बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोसर के बारे में होगा। हाइड्रोसर जो हम सक्सेशन पढ़ रहे थे उसी सक्सेशन में फर्दर हम इसे लेके चलेंगे, इसी टॉपिक को। हाइड्रोसर इज द सक्सेशन दैट टेक प्लेस इन अ वाटर बॉडी। हाइड्रोसर, इस हाइड्रोसर सक्सेशन में हम देखेंगे बेटा कि किस तरह से ये एक वाटर बॉडी है वो इस तरह से जो है वो डेजर्ट्स में या फॉरेस्ट में चेंज हो जाती है। इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जो इसको कन्वर्ट करती हैं, दैट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन स्टेज नंबर वन। उसके बाद जो होती है ये फॉलोड बाय द सबमर्ज्ड स्टेज। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज, इसमें कुछ फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज है। उसके बाद सेजिज आर मीडो, जो कि ग्रास लैंड की तरफ इसको मूव करके लिख जाते हैं। उसके बाद वुड लैंड ट्रीज आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्लाइमैक्स स्टेज है, एक स्टेबल स्टेज आ जाती है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी ये इस वाली स्टेजेस, और फिर एक जो है वो कम्युनिटी बन जाएगी। इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दोज आर द यूनिसेलुलर एल्गल प्लांट्स लाइक डायटम्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ये पाइनियर्स हैं वाटर बॉडी में। ये देखें, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये जो इनके स्पोर्स होते हैं वो विंड जो है वो कैरी करके यहाँ पे लेके आती है। और इसके बाद जो है वो जूओप्लैंक्टन्स डेफिनेटली अगर ये होंगे तो इनको खाने के लिए जूओप्लैंक्टन्स आ जाएंगे और उनकी डेथ से बाद में ह्यूमस जो है वो ऐड हो जाएगी। जो इसमें सेकेंड स्टेज है दैट इज द सबमर्ज्ड स्टेज, इसमें जो है वो शैलोअर वाटर बॉडी आ जाएगी, लाइट पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वाटर बॉडी जो है वो शैलोअर हो जाएगी। दिस कंडीशन इज सूटेबल फॉर द रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट लाइक हाइड्रिला। ये हाइड्रिला जो है वो ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये पाम के ऊपर रखा हुआ है। ये इस तरह से ये प्लांट होता है, ये इनिशियली यहाँ पे ग्रो करेगा। ये भी पाइनियर है एंड दे आर रूटेड इन मडी या सैंडी बॉटम। और जब ये डाई हो जाएंगे तो डेफिनेटली इसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाएगा बॉटम ऑफ द लेक में। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होगा इसमें जो है वो जो वहाँ से इनऑर्गेनिक मैटर आ रहा है लेक के अंदर एंटर हो रहा है वो भी जो है वो इसके अंदर ट्रैप होता जाएगा। इस तरह से साइड जो पॉन्ड है इसकी जो डेप्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी, इसका जो बॉटम है वो बिल्डअप होता जाएगा। और नो द हैबिटेट बिकम स्टेबल फॉर द फ्लोटिंग स्टेज, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस हाइड्रोसर द सक्सेशन इन वाटर बॉडी। वाटर डेप्थ जो है वो इसी ऑर्गेनिक मैटर की वजह से और इनऑर्गेनिक मैटर ट्रैप होने की वजह से डिक्रीज होती जाएगी और ये 6 to 8 feet रह जाएगी। इसके बाद इसमें जो है वो कुछ फ्लोटिंग रूटेड इन मड प्लांट जो होंगे वो आ जाएंगे, जिनके लीव जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे होंगे। इसकी एग्जाम्पल है निम्फिया या फिर निलेम्बियम। या आपने जो जो है वो वाटर बॉडी में अगर ये पॉन्ड या स्टैंडिंग वाटर देखा होगा तो आप लोग इससे अवेयर होंगे, ये इस तरह की स्पीशीज जो वो वहाँ पे नज़र आती हैं। इनके लीव्स जो होते हैं वो वाटर सर्फिस को कवर कर देते हैं, वाटर सर्फिस को कवर करते हैं, तो ये जैसे जो यूट्रोफिकेशन में ये लाइट की पेनिट्रेशन को रोक देते हैं, इसी तरह से ये भी जो है वो लाइट की पेनिट्रेशन को रोक देंगे और इसकी वजह से जो सबमर्ज्ड स्टेज की स्पीशीज होंगे वो डाई हो जाएंगे। जब वो डाई हो जाएंगे तो इसी तरह से वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते जाएंगे सॉइल के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हैबिटेट होगा दैट विल बी अनसुटेबल फॉर द फ्लोटिंग स्टेज और ये नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज द रीड स्वैम्प स्टेज। ये जो ये वाली स्टेज होगी इसको पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज भी कहते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो वाटर बॉडी से ऊपर जो है वो रेज किए हुए होते हैं लाइक सेजिटेरिया। ये देखें, ये इसकी स्पीशीज यहाँ पे ये नज़र आ रही है। या फिर ये टाइफा स्टेजेस होती हैं, ये अगर जो रिवर साइड में लोग रहते हैं या साइड पे जाते देखते हैं या ये त्रिमो बैराज जो क्रॉस करके लोग जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा ये वाले वहाँ पे उनके जो वाटर बॉडी वहाँ पे उनके साथ में स्टैंडिंग वाटर होता है उसके अंदर ये वाली स्पीशी वहाँ पे ग्रो की हुई होती है। ये त्रिमो बैराज के साथ अगर जाएँ तो इसको क्रॉस करके झंग की तरफ जाते हैं तो अब ये स्पीशी वहाँ पर नज़र आती है। दीज प्लांट्स गिव शेड टू वाटर सर्फिस एंड वेन दे डाई दे आल्सो बिल्ड अप द बैंक एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इज फर्दर रिड्यूस। जब वाटर जो है वो यहाँ से वाटर टेबल डिक्रीज होता जाएगा, वाटर डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी तो फिर जो है वो फर्दर नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर देते हैं, दैट इज सेज आर मीडो स्टेज। इसमें जो लेक और पॉन्ड होता है वो वेरी शेलो हो जाता है और इसमें ग्रासेस या फिर ये कैरिक्स आर जंक सी पीशीज में ये यहाँ पे ग्रो करती हैं।
ये इन किसी फिशी के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, ये यहाँ पे इनमें रूट्स भी होती हैं। ये देखें, ये आपको प्लांट से नज़र आ रहा है कि ये रूटी प्लांट है। यहाँ पे इनके रूट्स भी हैं और राइजोम भी यहाँ पे डेवलप किए हुए। दे ट्रांसपायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इनके जो एरियल पार्ट होते हैं वो बाहर होते हैं और वो ये वाटर को ट्रांसपायर करते हैं, और ट्रांसपायर होने से वाटर जो है वो वाटर जो टेबल है वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेज द वुडलैंड स्टेज। अब जो वाटर ट्रांसपायर होता जा रहा है तो वाटर कम होता जा रहा है, तो जो है अब इसमें वुडी स्पीशीज जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी, लाइक सेलिक्स है, ये वाला प्लांट यहाँ पे नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ चला गया, ये जो सेलिक्स स्पीशीज है या फिर पॉपुलर स्पीशीज है, ये वाला यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाले दे कैन टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड दे प्रोड्यूस शेड, और ये भी वाटर को ट्रांसपायर करेंगे। जो भी ये जो सबमर्ज के बाद जो प्लांट आते जा रहे हैं ये इनके, क्योंकि ये वाटर सरफेस के ऊपर होंगे तो ये वाटर को ट्रांसपायर करेंगे। अल्टीमेटली वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जो अबव ग्राउंड वाटर है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, तो हम जो है वो मूव करके फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ मूव करते जाएंगे, जिसमें रूटेड प्लांट आते जाएंगे, जिसमें जो है वो वुडलैंड स्टेज की तरफ हम मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट इज द क्लाइमेक्स स्टेज। नो द सॉइल हैज बिकम इनरिच्ड विद द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब जो हाइड्रोफाइट्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे मीजोफाइट, पहले वो वाटर लविंग प्लांट थे, अब जो है वो मॉडरेटली वाटर लविंग प्लांट यानी मीजोफाइट्स की तरफ मूव कर देंगे, जो कि एक स्टेबल या क्लाइमेक्स स्टेज हो जाएगी। अगर ये ह्यूमिड कंडीशन होंगी तो इसमें जो हमारे पास क्लाइमेक्स स्टेज आएगी नेक्स्ट, उसको कहेंगे फॉरेस्ट, और अगर ये सेमी ह्यूमिड कंडीशन बन जाएगी तो हमारे पास जो क्लाइमेक्स स्टेज आएगी उसको कहेंगे दैट इज द ग्रास लैंड। यहाँ पर ये फॉरेस्ट है हमारे पास, ये ग्रास लैंड है, और अगर इससे भी ज़्यादा एरिड कंडीशन आ जाएंगी तो हमारे पास जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी उसका कहेंगे ये दो आर द डेजर्ट्स। तो ये फर्दर इस तरह के स्टेप से मूव करके, ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन फर्दर जो है वो कैसे आती हैं, तो उस तरह से ये डिफरेंट या तो ये फॉरेस्ट बन सकते हैं, या फिर ये ग्रास लैंड बन सकते हैं, या फिर ये डेजर्ट्स में चेंज हो सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा इसमें हाइड्रोसेल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ओवरऑल चेंजेस क्या आती जाती हैं, बिल्डअप ऑफ द सबस्टेटम यानी इसके बॉटम में जो है वो बिल्डअप होती जा रही है, सॉइल बिल्डअप होती जा रही है, बिल्डिंग अप ऑफ द सबस्टेटम, शेलोइंग ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी, एडिशन ऑफ ह्यूमस या मिनरल, वहाँ पे बॉटम पे मिनरल्स या ह्यूमस जो है वो ऐड होता जा रहा है, एरेशन ऑफ द सॉइल, जब बेटा वाटर जो है सॉइल के अंदर वाटर कम होता जाएगा तो जो इसके दरमियान में जो एयर स्पेसिस होती हैं सॉइल पार्टिकल के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो एयर से फिल हो जाएंगी, और ये जो एरेशन होती है या एयर स्पेसिस होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि रेस्पायर करना है इसमें रूट में, तो रूट रेस्पायर करेगी तो इस वजह से फर्दर जो है वो रूटिंग प्लांट्स जो हैं वो या राइजोम वाले जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगे। ऑल दीज चेंजेस लीड टू द ग्रोथ ऑफ द फ्लोटिंग, और फिर उसके बाद सबमर्ज स्पीशीज आ जाएंगे, और उसके बाद सेजेस आ जाएंगी, श्रब्स आ जाएंगी, और ये ट्रीज जो है वो ग्रो करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो है वो ये जो वाटर बॉडी थी या ये पॉन्ड था ये डेजर्ट के अंदर या फिर ये फॉरेस्ट के अंदर या फिर ये ग्रास लैंड के अंदर चेंज हो जाएगा। जी बेटा, ये थी सक्सेशन इन वाटर बॉडी। इसके जो फर्दर क्वेश्चन होंगे आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू बेटा।